सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए श्रवण करते हैं महिषासुर वध की कथा। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक महापराक्रमी असुर था, जो रंभ नामक असुर का पुत्र था, दैत्यों का सम्राट था। सभी देवताओं को हराकर इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाकर बैठ गया था। सारे देवता त्रसित हो गए थे। सभी देवताओं में त्राही त्राही मच गई, तो सारे देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं की पीड़ा को जब सुना, तो सारे देवतागण को ब्रह्मा जी लेकर भगवान विष्णु के पास गए, और जहाँ पर भगवान शिव भी थे, वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने महिषासुर के अत्याचार के बारे में भगवान शिव और विष्णु को जब बताया, ब्रह्मा जी से सारी बातें जानकर भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी महिषासुर समेत सभी दैत्यों पर बहुत ही क्रोधित हो गए। क्रोध में भगवान विष्णु के मुख से महान बहुत बड़ा एक तेज निकला। इसी तरह से भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवताओं के फिर शरीर से अपने आप तेज प्रकट हुआ। सभी देवताओं के मुख से तेज निकलकर एक हो गया, एक महान दीप्यमान तेज में परिवर्तित हो गया। सारी दिशाएं से प्रकाशवान हो गई। अंत में एक भीषण विद्युत बिजली के समान सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वो साक्षात पराम्बा भगवती माँ दुर्गा थी, जिनके प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करके उन्हें नाना प्रकार के आभूषण और अपने अपने अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा ने आश्चर्यजनक और भीषण गर्जना कर संपूर्ण अंतरिक्ष को ध्वनित कर दिया, जिसकी वजह से तीनों लोकों में हलचल मच गई। कांप गए, पृथ्वी कांप उठी, लोक लोकांतर समुद्र सभी कांप ने लगे, उछलने लगे। सभी देवता देवी दुर्गा की जय जयकार करने लगे, गड़गड़वादी वाणी में स्तुति कर रहे थे, जिससे अद्भुत शब्द को सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। उन्हें समझ में आ गया था कि एक भीषण युद्ध होने वाला है। महिषासुर सारे दैत्यों को साथ लेकर उस शब्द को सुन करके उसी तरफ दौड़ पड़ा, और पहुँच कर दैत्यों ने देवी दुर्गा का एक ऐसा रूप देखा जिसमें देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी चली जा रही थी। उनके प्रकाश से त्रैलोक्य प्रकाशित हो रहा था। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर उन महान देवी दुर्गा पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दैत्यों ने युद्ध छेड़ दिया। चतुरंगिणी ने भी अपनी सेना लेकर माँ दुर्गा पर हमला किया। उदग्र महाहनु बास्कल और असिलोमा ये सभी रथी सैनिकों के अग्रणी थे, जिनमें असिलोमा का हमला रोम तलवार के समान तीक्ष्ण हो रहा था। सभी युद्ध स्थल में आकर देवी से युद्ध करने लगे। इस तरह हाथी पर सवार और घुड़सवार सैनिक भी देवी को चारों ओर से घेर करके प्रहार करने लगे। देवी दुर्गा ने खेल खेल में सभी के अस्त्र शस्त्र को काट दिया। उस समय माँ दुर्गा के निःश्वास गणबन दैत्यों पर चढ़ गई, और देखते ही देखते दुर्गा देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति की वर्षा कर बहुत से महादैत्यों का पल भर में संहार कर दिया। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े असुर का इतना रक्त गिरा कि रक्त कुंड बन गया। जिस तरह आग तिनके के ढेर को जला देती है, वैसे ही देवी दुर्गा ने मात्र पल भर में जितनी देर में अग्नि में सरसों चिटक जाती है, इतनी देर में माने सारी दैत्य सेना का ही संहार कर दिया। देवतागण हर्षित होकर देवी दुर्गा पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर चिक्षुर नामक असुर क्रोध से क्रोधित हो उठा और दुर्गा पर बाण की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसके रथ के घोड़ों और सारथियों को भी मार गिराया, साथ ही उसके धनुष और ध्वजा को भी काट गिराया। चिक्षुर को अपने सूल पर बड़ा गर्व था, इसलिए उसने अपने सूल से दुर्गा पर पूरी ताकत से प्रहार किया, किंतु देवी के पास पहुंचते ही सूल के टुकड़े टुकड़े ही हो गए। उस त्रिशूल के टुकड़े आकाश में प्रज्वलित हो उठे, और दुर्गा ने अपने सूल के प्रहार से उसके सूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए, जिससे चिक्षुर को भी यमलोक का पथी बना दिया। दुर्गा के शस्त्र प्रहार से उदग्र भी धराशायी होकर यमलोक सिधार गया। अब महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी दुर्गा के श्वास से उत्पन्न हुए गणों को त्रास देने लगा।
तत्पश्चात वह देवी दुर्गा के सिंह पर झपट पड़ा, जिसे देख देवी की क्रोध का आक्रोश बढ़ गया। महिषासुर उग्र से बहुत ही क्रोधित होकर अपने खुर से पृथ्वी को खोदकर सिंहों से पहाड़ को उखाड़ उखाड़ कर दुर्गा की ओर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग से पृथ्वी में दरारें पड़ने लगी। सिंहों के झटके से बादलों में टुकड़े टुकड़े होने लगे। उसके वेग बड़े वेग से दुर्गा देवी पर उसने आक्रमण किया, लेकिन देवी ने उसे तुरंत ही तत्काल पास में बांध दिया। बन जाने पर वैसे का रूप त्याग कर वो सिंह का रूप धारण कर लेता है। परमेश्वरी जगत जननी जगदम्बा ने उसका मस्तक काटना चाहा, तब वह तलवार लिए हुए एक पुरुष के रूप में दौड़ा। दुर्गा देवी ने बाण दृष्टि कर वह पास से उसे बांध दिया, जिससे बाद उसने हाथी का रूप धारण कर भगवती के सिंह को पकड़कर खींचने लगा। भगवती ने उसकी सूंड को काट दिया, जिसके पश्चात वह पुनः भैंसे का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से उसके इस युद्ध को देखकर जब सारा जगत त्राही त्राही हो गया, तब देवी दुर्गा समझ गई कि सब दुखी हैं, तो उछलकर दुर्गा देवी महिषासुर के ऊपर चढ़ गई और उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार किया। महिषासुर फिर रूप धारण कर आधा परिवर्तित हुआ ही था कि देवी ने उसको पूरा परिवर्तित होने से रोक दिया। उसी दशा में वो युद्ध करने लगा, तब देवी ने उसका मस्तक काट गिराया। तलवार से महिषासुर की बची हुई सेना सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हो गई। इस प्रकार देवताओं को संताप देने वाला महिषासुर नष्ट हो गया। सभी देवगण देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयकार करने लगे। देवलोक की अप्सराएं प्रसन्नता से देवी दुर्गा के सम्मान में नृत्य करने लगीं। सब पुष्पों की वृष्टि करने लगे। चंदन अक्षत दिव्य पुष्प धूप दीप नैवेद्य से प्रेम पूर्वक देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे और देवताओं को वरदान देकर कि जब भी तुम सब दुख में हो तब भी हमारी पुकार कर लोगे तो हम उसी क्षण आ जाएंगे। ये महिषासुर की बध की कथा श्रवण करने मात्र से माँ दुर्गा पराम्बा भगवती जगत जननी माँ शाकंभरी त्रिपुर सुंदरी माँ प्रसन्न होती हैं और उसकी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। आप सभी को माँ दुर्गा शक्ति दें, सम्मान दें, यश दें, प्रेम दें, लंबी आयु दें। आप सभी को जय माता दी।